तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग पे हम वेरिएबल यूज करके कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन कि किस तरह से वेरिएबल का यूज करके हम कैलकुलेशन करेंगे। जिन्होंने मेरी एक्सेल की क्लास ली है उनको याद होगा मैंने जब फॉर्मूला स्टार्ट किया था तो मैंने उनको कैलकुलेशन वाला बताया था, वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं लेकिन वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक डेटा है जिसमें कुछ नंबर्स है, जैसे सेल्स है क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू का सेल्स है, और हम यहाँ इन दोनों को कैलकुलेट करके हम ग्रोथ निकालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ कि dim क्वार्टर वन कॉमा क्वार्टर टू एज ए लॉन्ग। अब देखिए एक ही कास्ट के दो अगर वेरिएबल हो तो आप एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे r एज ए डबल कर दिया। डबल क्यों लिया? क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो परसेंटेज डेसिमल में होता है इसलिए हमने लिया। फिर क्वार्टर यहाँ पे हम देते हैं कि क्वार्टर वन इक्वल टू चले यहाँ पे रेंज ए टू डॉट वैल्यू, रेंज का स्पेलिंग मिस्टेक है, डॉट वैल्यू, और यहाँ पे हम क्वार्टर टू इक्वल टू रेंज बी टू डॉट वैल्यू। अब हम आर पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन, ये हमारा ग्रोथ निकालने का, जो हम ग्रोथ निकालते हैं उसका ये है, मतलब कि रोल मैम फॉर्मूला है, ट्रिक्स है। तो रिजल्ट हमारा आर पे स्टोर हो गया और हमें सी के ऊपर इसको स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेंज सी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू आर, तो ये हमारा हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसको मैं रन करूंगा तो मेरे किसी एक सेल पे ही जाएगा, एक सेल पे ही जाएगा, लेकिन मुझे इसको करना है ओवरऑल जितना डेटा है उसके ऊपर। तो इस पे अगर हम बात करें तो हमें दो तरीके हैं कि हमें इस फॉर्मूले को बार बार इसको बार बार रिपीट करना होगा, इस कोड को हमें बार बार रिपीट करके लिखना होगा। यहाँ पे जहाँ टू है वहाँ थ्री हो जाएगा, तो ऐसे करने से तो ये मैनुअल हो जाएगा, मतलब कि ये डायनेमिक नहीं रहेगा। तो ऐसा ना करके हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, लूप का इस्तेमाल। तो यहां पे हम लिखते हैं कि फोर इक्वल टू फोर आई इक्वल टू चले वन टू कहां तक है ए सेवन, यहां पे ए सेवन सेवन तक कर दिया। इसको भी ऑटोमेट किया जा सकता है लेकिन फिलहाल हम इसको सेवन रखते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। अब क्या होगा कि इस कोड को सात बार रन करेगा, कौन से मतलब फोर के बाद और नेक्स्ट आई से ऊपर। तो लूप लगाने का तरीका है कि फोर आई, आई क्या है, ये भी एक वेरिएबल है, जैसे कि आपका क्वार्टर वन क्वार्टर टू आर है, इसी तरह का वेरिएबल है। हमने यहाँ डिफाइन नहीं किया, आप डिफाइन भी कर सकते हो लेकिन जनरली हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है सर, तो लेकिन फिर भी ए हमेशा ए टू को ही करेगा ना। अब आई क्या है इसको एक बार समझिए, आई क्या है, आई एक वेरिएबल है, एक क्या काम है इसका, ये लूप को काउंट में रखता, लूप को ये करता है, मतलब कि काउंट करता है कि भाई कितना बार हमारा लूप चल चुका है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा ए टू है इसको हटाते हैं और इसके जगह पे हम यहाँ पे आई को देते हैं,
इसको भी। तो यहाँ पे मैं एक बार समझा देता हूँ इसको आखिर काम कैसे कर रहा है। एक मिनट मैं इसको लिख देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। तो इसमें अब यहाँ पे मैं अल्ट F8 प्रेस करता हूँ। अल्ट F8 क्या होता है, स्टेप इन्फो होता है, डिबग में जाएंगे तो स्टेप इन्फो होता है। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को एक एक करके रन करता है। तो इसने रन किया तो यहाँ पे आई क्या है हमारा, वन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए और वन मिल कंबाइन होकर A1 बन गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा A1 पे हेडिंग है, तो हम वन से नहीं, हमें टू से करना है। तो खैर तो मैं i+1 यहाँ कर दूंगा। एक तरीका ये है कि i+1 आप यहाँ कर दे और यहाँ भी प्लस, तो i1 है प्लस वन होकर A2 बन जाएगा, इस ए रिजल्ट 2 हो जाएगा और A के साथ जब कंबाइन होगा तो A हो जाएगा A2 और यह हमारा हो जाएगा B2। अब देखिए क्वार्टर वन पे 85 और यहाँ भी 85 स्टोर हो गया। अब 85 - 85 / 85 रिजल्ट 0 आएगा, नो ग्रोथ, और उसको CI C2 पे कर देगा। जब ये नेक्स्ट टाइम चलेगा तो I हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे 2+1 = 3, तो A3, B3 और C3 इसी तरह से हो जाएगा और इसी तरह से कैलकुलेट करेगा। तो लूप का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं, ठीक है। जीरो आ जाए, ये खाली ब्लैंक है ना, इसलिए हम 7 तक रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने प्लस वन किया है, इस प्लस वन को ना करेंगे, हम 2 - 2 = 7 कर देते हैं। यहाँ हमें प्लस वन करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है सर। तो जब चलेगा तो फर्स्ट टाइम 2 ही होगा और हमारा यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। इस कोड में किसी को डाउट है, अमित जी, मुनीर जी, संतोष जी, एनी डाउट्स? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ओके, तो इसी तरह से आगे भी हम करते हैं। अब अगला एग्जांपल पे चलते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कि प्रिंसिपल है, हमारे पास रेट है और हमारे पास टाइम है और हमें अमाउंट निकालना है 50,000। ये हमारा हो जाता है 8%, टाइम हो जाएगा 3 साल, 85,000, 7% 5 साल। ये हमारा डेटा है, तो हमें यहाँ पे इसका ए निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो हालांकि अमाउंट के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला FB, फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू रेट डिवाइड बाय 12, टाइम मल्टीप्लाई बाय 12 और ये हमारा रिजल्ट दे देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये इनबिल्ट फॉर्मूला है, हमें ट्रस्ट नहीं है। हम चाहते हैं अपना मैथमेटिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करना। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है कि पी मतलब कि अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई 1+R/N पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई एन। मुनी जी यही होता है ना, क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर में है तो आपको ज्यादा पता होगा। हाँ जी ठीक है। तो अब इसको हमें इसके जरिए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट RR ब्रैकेट ओपन क्लोज, RR नहीं देते यहाँ पे, IN जैसे देता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं कि dim p as a long dim r
एज ए डबल, क्यों? क्योंकि आपका परसेंटेज जो होता है डेसिमल में होता है, इसलिए हमेशा डेसिमल वाली हमेशा डबल में आएगी। और सर रिकॉर्डिंग परमिशन चाहिए था, एक मिनट। दे दिया सर डिम यहाँ पे डिम, और हमारा टी एज ए, हम इसको बाइट या इंटीजर दे सकते हैं क्योंकि कमी होता है ना तो ईयर में होता है। अब यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आप लूप में कभी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि लूप में वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना है। फोर आई इक्वल टू चले टू टू कितना है, इसको हम आगे ऑटोमेट कर देंगे कि अब अपने आप डेटा ले लेगा, फिलहाल तो आप मैनुअली लिखिए पांच तक चले, तो यहाँ पे फाइव और नेक्स्ट आई। अब जो भी कोडिंग करना है इसमें करना है क्योंकि रिपीटेशन है। तो हम यहां देते हैं कि p इक्वल टू चले रेंज a, उसके साथ कंबाइन हो गया i डॉट वैल्यू, r इक्वल टू रेंज b, b के साथ कंबाइन हुआ i डॉट वैल्यू, और t इक्वल टू रेंज रेंज, और यहां c, और c के साथ हमने i को कंबाइन किया एंड डॉट वैल्यू। अब उसके बाद अब यहां रिजल्ट के लिए भी एक r ले लेते हैं कि dim r as a double, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस भी आ सकता है इसलिए हम डबल ले लिए। और फिर क्या देते हैं कि r इक्वल टू चले p मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r डिवाइड बाय 12, n 12 है, मंथली है इसलिए, पावर ऑफ t मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है सर? सर r दो बार लिया है वो ले सकते हैं क्या सर? r कहाँ दो बार है? अच्छा ये r, अच्छा r नहीं 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 ले सकते, r e कर दीजिए, एक नाम के दो वेरिएबल नहीं हो सकते, याद रखिएगा इस चीज को। ओके, अब मैं रिजल्ट को यहां पे कर देता हूं रेंज c की जगह पे d, और d के साथ हमने i को कंबाइन किया एंड इक्वल टू r e, रिजल्ट को पास आउट कर दिया। अब मैं इसको यहां से प्ले करूं या फिर मैं यहां पे भी जाके डेवलपर में जाके मैं प्ले कर सकता हूं मैक्रो में जाके, या फिर हम यहां बटन के थ्रू भी इसको करवा सकते हैं। बटन ड्रॉ किया और यहाँ पे अपने बटन को सिलेक्ट करके ओके कर दिया, बटन पे जो लिखा हुआ है उसको चेंज कर दीजिए। मैं यहाँ पे कैलकुलेट या रन कैलकुलेट, अब बटन पे कैलकुलेट बटन में क्लिक करूंगा तो देखिए सारा कैलकुलेट हो गया, ठीक है? यस सर। अब यहाँ पे हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इस तरह से किया हुआ है। अब चलिए एक और कैलकुलेशन दिखाता हूं। वैसे मुझे MRA निकालना है, MRP निकालना है, तो लूप आप लगा लेंगे क्या? यहाँ पे कॉस्ट है और मुझे यहाँ पे MRP देना है, ये हमारे पे कॉस्ट है। तो कॉस्ट में क्या है कि भाई 85 रुपीज अगर मैन्युफैक्चरर कॉस्ट है तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा इस पे 5% ऐड करके डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा अपने खरीद पे वापस वो 10% ऐड करके रिटेलर को दे देगा, और इसको होलसेलर को दे देगा, होलसेलर 15% ऐड करके रिटेलर को, रिटेलर 20% ऐड करके देगा किसको, कंज्यूमर को। तब यहाँ पे MRP निकालना है। तो चलिए इसके लिए भी हम VVA प्रोग्राम लिखते हैं, और यहां पे मैं सब्जेक्ट MRP और यहां पे देता हूं डिम
सी एज ए लॉन्ग और डिम आर एज आर हाँ आर ले लीजिए आर एज ए डबल ओ आर इक्वल टू हमने यहाँ फोर लूप लगाना हुआ ना फोर आई इक्वल टू चले टू टू कहां तक सेवन तक नेक्स्ट आई और यहां हो जाएगा आर इक्वल टू आर ने सी 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 इक्वल टू रेंज ए के साथ आई को कंबाइन कर दिया हमने। अब लोग सब वेरिएबल क्यों ले रहे हैं? वेरिएबल लेने का पर्पस इसलिए है क्योंकि अगर वेरिएबल ना लेंगे तो इतना हर जैसे पी के जगह पे मुझे ए लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम पहले उसको वेरिएबल पे स्टोर करते हैं, देन वेरिएबल को कैलकुलेट करते हैं ताकि इजीली कैलकुलेशन। उसके बाद यहां पे हम देते हैं कि आर इक्वल टू सी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई 0.05% का सिंबल नहीं लेता है, तो आप ये कर सकते हैं कि 5 डिवाइड बाय 100 या फिर आप डेसिमल में लिख दे। अब यहाँ पे R इक्वल टू R प्लस R का, क्योंकि रिटेलर होल डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया गया, डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है कि अपने खरीद पर खरीद का 10% ऐड करेगा, तो खरीद कौन सा है आर पे स्टोर है इसलिए हमने आर दे दिया और हर कोई अपने खरीद पे परसेंटेज को ऐड करेगा, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक दो चीज देखिए कि आप उसी वेरिएबल को कैलकुलेट करके उसी वेरिएबल पर स्टोर कर सकते हैं। जैसे देखिए आर आर पे ही आर की कैलकुलेशन करके हम स्टोर कर रहे हैं, आप ऐसा एक्सेल में नहीं कर सकते कि आप A1 पे वैल्यू रखे हैं और A1 प्लस 10 करके A1 पे ही फॉर्मूला लगाए, नहीं चलेगा, आपको V1 पे करना पड़ेगा। लेकिन VVA में जिस वेरिएबल पे आपने जिस वेरिएबल को कैलकुलेट कर रहे हो आप उसी पे उसको स्टोर कर सकते हो। फिर रेंज B के साथ I को मैंने कंबाइन किया डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने कर दिया R। अब मैं MRP को अपने हिसाब जैसे से रन करना चाहते हो वैसे रन कीजिए, आप शॉर्टकट भी बनाना चाहो तो ऑप्शन पे जाके आप शॉर्टकट भी बना सकते हो एंड रन। अभी डेसिमल में आया, मैं डेसिमल नहीं चाहता, तो कैसे करेंगे इसके लिए? तो आप इसमें एक अगर आप डेसिमल हटाना ही चाहते हैं तो इंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा आर को। नहीं ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां ये कर सकते हैं कि डिम पी एज ए लॉन्ग और यहां पे आप इसी के ऊपर कर सकते हैं कि पी इक्वल टू आर और यहां पे पी कर दीजिए, क्योंकि लॉन्ग है तो डेसिमल को राउंड ऑफ करके ही वो लेगा। ठीक है, समझ आया सर? किसी को डाउट? नहीं सर, क्लियर हो गया। ओके, तो अब आप क्या करें कि इसी चीज को रेफरेंस में लेते हुए, ठीक है, इसी चीज को रेफरेंस में लेते हुए मुझे इसके 10 एग्जाम्पल बना के भेजे। ठीक है, हो जाएगा सर? 10 एग्जाम्पल बना के भेजे। ठीक है, भेजिए, मैं वेट कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग में अभी YouTube पे डाल दूंगा।